जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम केरल के पतनमतिट्टा जिले में स्थित विश्व का सबसे लोकप्रिय मंदिर, जिसको बोला जाता है सबरीमाला मंदिर, यहाँ पे हमारे स्वामी अयप्पा जी यहाँ पे विराजमान है। और इन्हीं के दर्शन करने के लिए हर साल देश से करोड़ों लोग हमारे अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप सबरीमाला मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सबरीमाला कैसे पहुंचना है, सबरीमाला कब ओपन होता है और कौन से समय पे हमको जाना चाहिए, सबरीमाला में स्टे करने की क्या बंदोबस्त है, सबरीमाला में हमको 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है तो उस दरमियान हमको क्या क्या चीजों को सावधानी बरतनी है, सबरीमाला में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, क्या वहाँ ड्रेस कोड है, कौन कौन वहाँ मंदिर में दर्शन करने जा सकता है, और साथ ही साथ सबरीमाला यात्रा करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको सबरीमाला यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका खर्चा भी कम आए। हालांकि दोस्तों सबरीमाला मंदिर की यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि YouTube पे कहीं भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ हमको कहीं भी जानकारी नहीं मिली है, अगर मिली भी है तो वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं, तो इसीलिए आज की यह वीडियो आप कंप्लीट देखिए, आपको डेफिनेटली ए से लेके जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मैं देने वाला हूं। चलिए दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि सबरीमाला मंदिर हमको कैसे पहुंचना है। दोस्तों सबरीमाला मंदिर पहुंचने के लिए हमारे पास दो बड़े ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो वो आता है आपका बाय ट्रेन का। दोस्तों यदि ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबरीमाला मंदिर का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन तो वो है दोस्तों यहाँ का चेंगनूर रेलवे स्टेशन। दोस्तों चेंगनूर से सबरीमाला आप डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सबरीमाला मंदिर जाने के लिए यहाँ पे हमको 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो वो 6 किलोमीटर जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है उस स्थान का नाम है दोस्तों पंबा। दोस्तों पंबा जाने के लिए यानी कि चेंगनूर से आप पंबा आएंगे बाई रोड, जिसमें आपको KSRTC की गवर्नमेंट बस भी मिलती है, प्राइवेट बस भी मिलती है और वहां पे शेयरिंग टैक्सी भी चलती है और साथ ही साथ रिजर्व टैक्सी भी चलती है। तो चेंगनूर रेलवे स्टेशन से पंबा की जो दूरी है वो लगभग आपके 95 से 100 किलोमीटर की पड़ जाती है। कहने का मतलब ये कि आप अप्रॉक्सिमेटली 2.5 से 3 घंटे में ये आप यात्रा करके यहां पहुंचेंगे पंबा में। और वही अगर मैं बात करूं कि चेंगनूर के लिए आपको हो सकता है कि डायरेक्ट ट्रेन ना मिले आपके राज्य से, आपके शहर से, तो आप एक और मेजर रेलवे स्टेशन है वो है यहां का कोट्टयम रेलवे स्टेशन। दोस्तों यदि आप कोट्टयम आते हैं तो कोट्टयम में आपको ज्यादातर ट्रेनों का स्टॉपेज देखने को मिलेगा, और कोट्टयम से अगर मैं पंबा की डिस्टेंस की बात करूं तो आपका लगभग 85 टू 90 किलोमीटर की पड़ जाती है और यह भी आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और यह यात्रा करके आप पहुंचेंगे पंबा। तो दोस्तों यह ऑप्शन था कि अगर हम बाई ट्रेन आते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प होता है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो तो है आपका तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से आपको 107 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पहुंचेंगे पंबा। और वही दूसरे एयरपोर्ट की बात करूं जो कि नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका यहां पे कोच्ची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से आपको कोच्ची से पंबा की जो दूरी होती है वो लगभग 130 किलोमीटर की पड़ेगी और आप पहुंचेंगे पंबा। चलिए तो बात करते हैं अब हम कि हम पंबा पहुंच चुके हैं, अब यहां से हमको कैसे पहुंचना है सबरीमाला मंदिर, कहां हमको होटल लेना चाहिए और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हम पंबा पहुंच चुके हैं और मन में सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम कहां पे रुकें, होटल हमको कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि पंबा में ही आपका पंबा रिवर है, तो जनरली जो श्रद्धालु पहुंचते हैं सबरीमाला दर्शन करने के लिए वो सबसे पहले पंबा नदी में स्नान करते हैं, और पंबा नदी में स्नान करने के पश्चात वो 6 किलोमीटर की अपनी पदयात्रा शुरू करते हैं हमारे सबरीमाला मंदिर की तरफ। तो दोस्तों पंबा में आप स्नान करके अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे, इससे भी पहले ये जानते हैं कि पंबा में हमारे यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको होटल एकोमोडेशन के। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉजेस मिलेंगे, धर्मशाला मिलेंगे और होटल्स भी मिलेंगे। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी वाले होटल्स तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो सबरीमाला मंदिर है वो अपना हिल स्टेशन पे बना हुआ है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे दोस्तों पैदल यात्रा 6 किलोमीटर की करनी पड़ती है, क्योंकि हिली एरिया और पहाड़ी रास्तों के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वाहन नहीं जाती है। तो ये बात थी दोस्तों कि आप पंबा में स्टे ले सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप ट्रैक करके सबरीमाला कैंपस में पहुंचते हैं यानी कि 6 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए आप सबरीमाला पहुंचेंगे, तो वहां भी आपको कुछ लॉजेस और कुछ आपके ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि कुछ जंगली रास्ते होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहां पे स्टे के ऑप्शन होते हैं, तो यदि आप वहां स्टे लेना चाहते हैं तो आप वहां भी अपना स्टे बना सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा कॉस्ट क्या होगा। तो यदि आप पंबा में स्टे लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों कि सीजन के टाइम पे इसकी रेट 2,000-2,500 रुपए पर नाइट का होता है दो लोगों के लिए। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि सीजन और ऑफ सीजन कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका रेट 1500 से 2000 रुपए पड़ेगा और आपका वन नाइट का दो लोगों का ये होटल का रेट मैंने आपको बताया। इसी के साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी।
तो दोस्तों वहां पे खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप आए हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस में, यानी कि धार्मिक प्लेसेस में। तो यहां पे आपको हर जगह, हर रेस्टोरेंट पे, हर ढाबे पे आपको केवल और केवल मिलेंगे तो साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगे और आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही प्राप्त होगा। तो वहां पे दोस्तों आपको किसी भी तरीके की खाने पीने की समस्या नहीं होगी, हर प्रकार की वहां बंदोबस्त दी गई है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम पंबा नदी में स्नान किए और हम अब चल पड़े अपने सबरीमाला मंदिर की तरफ, जहां पे हमारे विराजमान है अयप्पा जी। दोस्तों अयप्पा जी का दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है मणिकंदन, और उनका एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको बोला जाता है श्री धर्मशास्त्रव, ये भी उनको बोला जाता है। और अयप्पा जी हमारे हरिहर के पुत्र है, क्योंकि विष्णु और लॉर्ड शिवा के ये पुत्र कहलाते हैं, तो इसलिए इनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस 6 किलोमीटर की यात्रा में हमको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम बात तो ये दोस्तों कि ये 6 किलोमीटर यात्रा जो भी होगी, ये पूरी आपकी जंगली पहाड़ी रास्ता होगी, और यहाँ पे आपको हालांकि मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, पानी की फैसिलिटी मिलती है, बैठने की फैसिलिटी मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके टी स्टॉल और छोटे मोटे स्नैक्स आइटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट एरिया तो है और आपकी पहाड़ी चढ़ाई तो है, लेकिन यहाँ पे हर प्रकार की आपको बंदोबस्त दी जाती है इस 6 किलोमीटर के पैदल यात्रा में। तो दोस्तों 6 किलोमीटर की ये यात्रा करने में आप मान के चलिए कि आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्राउड कितना है, ज्यादा क्राउड होने से आपको चढ़ाई में और भी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन यदि क्राउड कम है, अगर आप वहां पे ऑफ सीजन में जा रहे हैं, तब आप आराम से 2 से 3 घंटे में भी आप सबरीमाला मंदिर प्रांगण में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमको सबरीमाला मंदिर आना कब चाहिए और हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। सबरीमाला मंदिर आने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है आपका फरवरी मंथ से लेके आप अक्टूबर मंथ तक आ जाइए, क्योंकि दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, ये आपका सबसे पीक टाइम होता है, और इसी पीक टाइम में दोस्तों करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंच के हमारे अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करते हैं। तो ये समय जो विंटर वाला टाइम होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने का जो समय है मान के चलिए दोस्तों, इसमें आप मत जाइए, क्योंकि यहां पे आपको लाइन में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ऑल दो ये भी कहा जाता है कि जो आपकी 6 किलोमीटर की पदयात्रा होती है, ये केवल दर्शन लाइन से ही पैक हो जाती है, यानी कि पंबा से ही आपको लाइन लगना पड़ेगा हमारे श्री अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर की यहां पे आपको सिर्फ दर्शन क्यों देखने को मिलेगा। तो बेटर यह है दोस्तों कि इसके अलावा आप जाइए, लेकिन यहां पे एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने का टाइम पीरियड है, इस 3 महीने के टाइम पीरियड में 24/7 मंदिर ओपन होता है। वही अगर बात की जाए कि आप फरवरी मंथ से लेके अक्टूबर मंथ तक आप जाते हैं, तो ये आपका परमानेंटली मंदिर खुला नहीं होता है, जैसे कि हमारे बाकी मंदिर खुले होते हैं 24/7। वहां पे दोस्तों केवल हर महीने 10 दिन मंदिर खुलता है, और इसी 10 दिन में आप जाके वहां दर्शन कर सकते हैं, जो कि आपका भीड़ भी बहुत कम होता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक मंथ का टाइम पीरियड क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 10 दिन मंदिर ओपन मिलेगा फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का, और इस 10 दिन में मंदिर जो ओपन होता है वो मलयालम कैलेंडर के आधार पे वो लगभग मिड 14/15 से लेकर आपका 24/25 तक ये डेट ओपन होती है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं किस महीने में कब से कब तक हमारा सबरीमाला मंदिर ओपन है, उसके हिसाब से आप अपनी योजना बनाइए, टिकट कराइए और चल पड़िए अपने अयप्पा जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये बातें थी कि आप मंदिर यहाँ पे परमानेंटली खुला देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में दोस्तों आपको हमेशा 24/7 मंदिर खुला देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भीड़ भी उतनी ही पैमाने पर होती है। तो दोस्तों आप पहुंचते हैं अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। अब बात करते हैं कि कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपका 1 night 2 day सफिशिएंट है। एक दिन आप पंबा में रुकिए और अगले दिन आप दर्शन करने जाइए, और दर्शन करके सेम डे आप वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि आप 6 किलोमीटर आराम से जाके सेम डे वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं उनके लिए कि जो पैदल चलने में असमर्थ है, उनके लिए वहां पे एक दूसरा ऑप्शन आता है जिसको बोला जाता है पालकी। तो वहां पे दोस्तों पालकी की भी ऑप्शन होती है। तो दोस्तों बात की जाए कि पालकी का रेट क्या होगा, तो दोस्तों पालकी का रेट वजन के हिसाब से होता है, और साथ ही साथ अगर एक 50-70 किलो के बीच में अगर पर्सन का वेट है, तो वो मान के चलिए कि दोस्तों आपका आने और जाने का लगभग 6,000 रुपये लेगा, या वन वे का आप बोले तो 3,000 से 3,500 रुपये लेगा एक बार का जाने के लिए। वापसी में आपका 2,500 से 3,000 में भी वो आपको नीचे ड्रॉप कर देगा, जो पैदल चलने में असमर्थ है। अब बात करते हैं कि इस सबरीमाला मंदिर जाने के लिए, आप सब जानते होंगे और आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे ज्यादातर पुरुष श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे महिलाएं नहीं आती हैं। अगर महिलाएं आती भी हैं तो वो फीमेल वर्ग में आपके 5 साल से कम उम्र वाले और हमारे 60 साल से अधिक उम्र वालों को ही यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी महिलाओं को यहाँ पे एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबरीमाला के अयप्पा स्वामी जी हमारे ब्रह्मचारी थे, इसलिए यहाँ पे केवल केवल कन्याओं को और या फिर 60 साल के ऊपर वृद्धों को ही यहाँ पे दर्शन दिया जाता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे 5 साल से ज्यादा उम्र वाले और 60 साल से कम उम्र वाले महिलाओं को
फीमेल को यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, प्रवेश नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सबरीमाला में ड्रेस कोड क्या है। दोस्तों सबरीमाला में यदि पुरुष जाते हैं तो आपको दोस्तों पहनना पड़ेगा नीचे धोती और ऊपर शर्ट पहनना पड़ेगा, जो कि आपकी काले रंग की हो उसकी प्राथमिकता दी जाती है। वही अगर महिलाओं की बात की जाए तो दोस्तों पूरा बॉडी कवर्ड अप होना चाहिए और आप कवर्ड ड्रेस कुछ भी पहन सकते हैं, चाहे आप साड़ी पहनिए, चाहे आप किसी भी तरीके का कुर्ती पहन रहे तो वो भी आपका फुल कवर्ड होना चाहिए। और इसकी भी प्रायोरिटी दोस्तों होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ब्लैक कलर का, क्योंकि अयप्पा स्वामी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको काले कपड़े का ही वस्त्र धारण करके आपको मंदिर में प्रवेश करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक और मान्यता है, और ऐसा यहाँ लोग कहा जाते हैं जो कि मैं केरल के लोकल पब्लिक से पूछा, वो ये बोला जाता है कि यदि आप सबरीमाला मंदिर दर्शन करने के लिए, अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपको 18 दिन पहले आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है व्रिदम। दोस्तों केरल के लैंग्वेज इसको व्रिदम बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि दोस्तों आप 18 दिन तक दो टाइम सुबह शाम स्नान करेंगे। इस 18 दिन के टाइम पीरियड में जब आप सबरीमाला मंदिर दर्शन करने जाएंगे, उससे 18 दिन पहले आप किसी भी तरीके का सेवन नहीं करेंगे नॉनवेज, केवल आपको शुद्ध भोजन करना है, किसी भी तरीके का दोस्तों सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है। ये सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, इसके बाद ही आप सबरीमाला मंदिर जाएंगे। अगर आप ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको प्रॉब्लम इश्यूज होंगे यदि आप दर्शन करने के बाद आप वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब कहा जाता है कि सबरीमाला मंदिर जाने से पहले इन सब चीज़ों को आपको फॉलोअप करना है। तो दोस्तों 18 दिन पहले ये शुद्धिकरण का आपको पड़ाव पार करके ही आपको सबरीमाला मंदिर में दर्शन करना जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात थी कि सबरीमाला मंदिर हम कैसे पहुंचे, कैसे वहां दर्शन होंगे और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी और हमारा होटल अकोमोडेशन कैसे होगा। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि सबरीमाला मंदिर जाने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप पम्बा में वन नाइट का स्टे बनाते हैं और यदि आप बाई ट्रेन जाते हैं, यानी कि कोटियाम या फिर चिंगन्नूर रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए कि एक व्यक्ति का अधिकतम आपका 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि वहां पे आपके होटल अकोमोडेशन, खाने के खर्चे और जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि रेलवे स्टेशन से लेके पम्बा तक या फिर एयरपोर्ट से लेके पम्बा तक, उसके खर्चे की बात की जाए तो दोस्तों एक व्यक्ति का कुल खर्चा मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार रुपये आएगा और आप सबरीमाला के अयप्पा स्वामी जी के दर्शन कर लेंगे, जिसको मणिकंदन स्वामी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको सबरीमाला मंदिर कैसे दर्शन करने जाना है और कितने दिन का हमको समय लगेगा, क्या ड्रेस कोड हमको फॉलो अप करना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मिली। एक और आपको चीज बताना चाहूंगा, जो कि चिंगन्नूर में हमारे अयप्पा स्वामी जी का जन्म स्थल है, जिसको बर्थ प्लेस बोला जाता है, वो चिंगन्नूर में आपका पंडलम नामक स्थित एक मंदिर है, वहां पे आपको जाके उनके भी दर्शन कर सकते हैं। अधिकतर टूरिस्ट वो दर्शन करने के पश्चात ही हमारे सबरीमाला मंदिर में अयप्पा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आप कवर करते हुए जाइए हमारे अयप्पा जी का बर्थ प्लेस, जिसको पंडलम के नाम से जाना जाता है, जो कि चिंगन्नूर के नजदीक ये पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा आज की इस वीडियो का कि हमारा पत्तनमतिट्टा जिले में स्थित सबरीमाला मंदिर का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको मन में कोई प्रश्न है या फिर यदि आपको कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है, साथ ही साथ आप पहुंच सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में, विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो हमसे पूछिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में क्लिक करें और उस पर लीन हो जाए, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय स्वामी अशरणम अयप्पा, विश्व सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।